हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सिस्टी क्रिएटिव आइडिया चैनल। आज मैं आपको ए लाइन फ्रॉक की, जिसकी हमने कटिंग की थी, उसकी स्टिचिंग बताऊंगी। फ्रेंड्स, पहले हम बाजू से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी बाजू है, मैं इसमें रेड कलर की पट्टी लगाऊंगी। फ्रेंड्स, यहाँ बाजू में नीचे की तरफ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, हमने अपनी बाजू सीधी रखी है और उसके ऊपर हमने अपना जो पट्टी लगाएंगे वो पट्टी हमने इस तरफ से सीधी है फ्रेंड्स, इस तरफ से। ये देखें फ्रेंड्स, इस तरफ से सीधी है और ऊपर की तरफ से ये उल्टी है। हम इस तरह रख के इस पे सिलाई लगाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से पूरी पट्टी में हम सिलाई लगा लेंगे एंड तक फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद फ्रेंड्स हम इस पट्टी को पीछे की तरफ यानी लेफ्ट हैंड की तरफ पुश करते हुए इस वाली जगह पर हम एक एक सिलाई और लगा लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि ये पक्की हो जाए अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी पट्टी जोड़ ली है। इसके बाद हम इसे उल्टा करेंगे फ्रेंड्स, टर्न करेंगे और इसको थोड़ा सा मार्जिन देते हुए, इस तरह से थोड़ा सा मोड़ते हुए इसको यूं सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड्स। तो ये इस तरह से हमारी पट्टी यहाँ इस साइड को ऐसे दिखेगी फ्रेंड्स। ये देखिए, मैं इसको सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने बाजू में 1.5 इंच का गैप देते हुए निशान लगाया है फ्रेंड्स, 1.5 इंच का, ठीक है फ्रेंड्स। इस पे हम, मैंने ये जो फॉर्म बटन आपको बनाना सिखाए थे, ये हम इस पे ऐड करेंगे फ्रेंड्स, लगाएंगे। ये देखिए, ये वाले फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है चौक से, इसके कपड़े के नीचे फ्रेंड्स हमें अपना ये फॉर्म बटन लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कपड़ा ऊपर करके फॉर्म बटन हमें नीचे रखना है और बस इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है फ्रेंड्स। मैं इसे रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी दोनों बाजू तैयार कर ली है फोम बटन लगाकर। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों बाजू हमारी रेडी हो गई है, फोम बटन लगा लिए हैं मैंने दोनों बाजू पर। अब हम आगे बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा गला है जो हमने कट किया था, इसका हमने यूं फोल्ड करके बीच का सेंटर पॉइंट ये निकाल लिया है फ्रेंड्स। ये है इसका सेंटर पॉइंट और हमने ये एक तरफ से सिलाई लगा ली है। ये आप देख पा रहे हैं, तो जहाँ से हमारा गला है वहाँ से हमने सिलाई लगा ली है। अब इस साइड से ये जो है, मैं इसे फोल्ड करती हूँ मशीन से ही, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फैंस, इस टाइप से हम इसे पूरा सील लेंगे। ये देखिए फैंस, मैं इसे कट करके बाहर निकालती हूँ। इस टाइप से हमने इसके दोनों किनारे फोल्ड कर दिए हैं। ये देखिए फैंस, ये दोनों किनारे फोल्ड कर दिए हैं। ये देखिए फैंस, ये हमारा सामने का फ्रंट है, फ्रंट पार्ट है। मैंने ये इसका बराबर करके और ये नेक का सेंटर पॉइंट यहाँ से कट कर लिया है फ्रेंड्स। इस पे हम अपना नेक डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा फ्रंट पार्ट है और ये मेरा उल्टा हिस्सा है फ्रेंड्स। ये सीधा है और ये उल्टा है। यहाँ हमने बीच का इसका सेंटर पार्ट लगा लिया है, निशान लगा लिया, आप देख पा रहे हो। तो इसके बाद फ्रेंड्स, मैं इस पे अपना कपड़ा जो हमने गले के लिए कट किया है, सेंटर पॉइंट से सेंटर को मिलाऊंगी, बट इसे मैं उल्टा रखूंगी फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हमारा जो कपड़ा है ये उल्टा है, इसके ऊपर मैं अपना नेक जो है वो सीधा रखूंगी। ऊपर की साइड हमारा ये जो पार्ट है ये उल्टा दिखेगा, मैं इसको ऐसे टर्न करूंगी तो ये मेरा फ्रंट पे सामने आएगा, रेड रेड कपड़ा मेरा फ्रंट सामने आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसको सेट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको पिनअप कर लिया है और अपना सेंटर पॉइंट पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी है फ्रेंड्स। तो मैं इसी पे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई चलाऊंगी फ्रेंड्स। यहाँ नीचे नहीं आऊंगी अपने बुकरम पे, इससे ऊपर ही रखूंगी कपड़े तक। ये देखे फ्रेंड्स, इस टाइप से हम अपनी सेंटर में सिलाई लगा लेंगे फ्रेंड्स। इसको बिल्कुल नीचे तक नहीं ले जाना है हमें, बस बुकरम से ऊपर ही रखनी है, बिकॉज ये काटने के हम इसको निकाल देंगे फ्रेंड्स। ये देखे फ्रेंड्स, मैंने सेंटर में सिलाई लगा ली है। इसके बाद ये जो हमने बुकरम के साइड साइड है इसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ साइड साइड में हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ साइड साइड में हम कॉर्नर पे सिलाई लगा लेते हैं अच्छे से, ध्यान से, धीरे धीरे आराम से इस सिलाई को घुमाते हुए आराम से लगा लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम यहाँ से ये कट कर देंगे। ये एक्स्ट्रा पार्ट है फ्रेंड्स, इसलिए हमने बीच में सिलाई लगाई थी ताकि हम इसको बाद में कट कर सके। तो थोड़ा सा मार्जिन देते हुए हम इसको कट करके निकाल देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, जैसे आपको इजी हो उस टाइप से हल्का हल्का सा मार्जिन देते हुए आप इसको कट करके निकाल दीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको कट करके अलग कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम यहाँ साइड में कॉर्नर पे छोटे छोटे से कट लगाएंगे ताकि हमारा
गला बिल्कुल फिनिशिंग से साफ सुथरा अच्छा बने और अच्छा लुक आए इसका। पूरे गले में फ्रेंड्स इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम इसमें सिलाई करेंगे पीछे टर्न करके इसको, उसके बाद हम इसमें सिलाई कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसको यूं टर्न करेंगे यहाँ, और इस साइड में फ्रेंड्स ये जो हमारा कॉर्नर है यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे फ्रेंड्स। रेड कपड़े पे लगानी है, इस पे नहीं लगानी है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा गला बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ कॉर्नर पे बड़ी बड़ी सिलाई करके लगा देती हूँ, उसके बाद मैं इसको निकाल दूंगी जब मैं इसमें तुरपाई कर दूंगी। और फ्रेंड्स इस साइड में हम जो हमने अपने बीट्स बनाए थे फोम के बटन, वही लगाऊंगी इसमें भी मैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर से मैं 1 इंच छोड़ दूंगी, ये देखिए फ्रेंड्स, और उसके बाद वही अपना 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1.5 इंच मेरा यहाँ आ रहा है। इसी टाइप से मैं पूरा 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और अपने फॉर्म बटन लगाऊंगी जैसे हमने बाजू में लगाए थे फ्रेंड्स। ये देखिए इस टाइप से मैं अपने फॉर्म बटन लगाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इस टाइप से अपने सारे फॉर्म बटन इसमें लगा लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना गला बनाकर तैयार कर लिया है, इसमें फॉर्म बटन लगा लिए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये जो हमारी कुर्ती है, कुर्ती का जो बॉटम है, बॉटम में मैंने रेड पट्टी लगाने के लिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा बॉटम है, ये जो बॉटम है, इस बॉटम में रेड पट्टी लगाने के लिए फ्रेंड्स मैंने 2-2 इंच की पट्टी कट कर ली है इस बॉटम में लगाने के लिए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बॉटम है हमारा, इसमें लगाने के लिए मैंने 2-2 इंच की पट्टी ये कट कर ली है। इसको मैं यहाँ नीचे की तरफ लगाऊंगी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये किनारी हमारी सीधी है और ये वाली किनारी फ्रेंड्स हमारी ट्रायंगल है। तो जो मेरा बैक वाला गला है उसमें मैं ट्रायंगल की एक पट्टी कट करूंगी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी में काटूंगी। लंबाई हम अपने हिसाब से ले लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं लगती है बैक वाले गले में। ये देखिए फ्रेंड्स, एक लगभग 1 इंच की ये पट्टी है चौड़ाई में, और बस मैं इसको कट कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी तिरछी पट्टी कट कर ली है फ्रेंड्स। जो तिरछी होती है वो बीच में से ऐसे खिंचती है फ्रेंड्स। मैं इसे बैक गले में लगाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी बैक वाला कुर्ती का है पीस है फ्रेंड्स मेरा। तो इसमें मैं अपना नेक जो बनाऊंगी वो 2.5 इंच पे मैंने बनाया है फ्रेंड्स। 2.5 इंच जितना फ्रंट में बनाया है उतना ही बैक में बनाएंगे चौड़ाई इसकी। और लंबाई फ्रेंड्स मैं इसकी लूंगी 4 इंच, ठीक है फ्रेंड्स, 4 इंच लेंगी। और बस एक सिंपल सा बॉक्स बना के और इसको गोल गला का डिजाइन दे देना है फ्रेंड्स, बस ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने बैक का नेक कट कर लिया। अब हम इसको पट्टी लगाकर सिलाई करते हैं, तिरछी पट्टी लगाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बैक का नेक है, इस पे मैंने अपनी तिरछी पट्टी काट ली है। इस नेक भी हमारा सीधा रहेगा कपड़ा, और जो हम पट्टी लगाएंगे फ्रेंड्स वो भी हमारी सीधी ही रहेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इसे बीच में से यूं मोड़ना है और बस इसको यूं रखकर सिलाई लगा देनी है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी पट्टी लगा ली है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ किनारे किनारे छोटे छोटे से कट लगाएंगे। चारों तरफ कट लगाने के बाद इस कपड़े को फ्रेंड्स हम यूं टर्न करके सिलाई कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने कट लगा लिए हैं। अब राइट हैंड की तरफ इस पट्टी को इस तरफ से टर्न कर देंगे और सिलाई लगाएंगे। और फ्रेंड्स ये नीचे वाला कपड़ा जो हमने जोड़ा है वो राइट हैंड की तरफ ही रहेगा, तो हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंड्स। बारीक सिलाई लगाएंगे, आपकी मर्जी है, आप बड़ी भी लगा सकते हैं, बट मैं बारीक ही लगाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आराम आराम से अपनी सिलाई लगा लेंगे, कपड़े को घुमाते हुए धीरे धीरे पूरी सिलाई पूरी कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद जहाँ पे हम तुरपाई करते हैं उस तरफ इसके कपड़े को फोल्ड करके फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं मोटी मोटी सिलाई लगा लूंगी, बाद में मैं इस पर तुरपाई कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों नेक बनकर तैयार हो गए हैं। ये फ्रंट वाला नेक है और ये बैक वाला नेक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स मैं अपने कुर्ती के बॉटम में जो मैंने रेड कपड़ा कट किया है 2 इंच वाला, उसको लगाऊंगी फ्रेंड्स, इस वाले कपड़े को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बैक पोर्शन है, मतलब ये उल्टा कपड़ा है, और उल्टे कपड़े के ऊपर फ्रेंड्स मैं सीधा कपड़ा रखूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे सेट कर लिया है। अब इसके बाद हम सिलाई लगाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे धीरे धीरे करते हुए
हुए हमने सारी पट्टी अपनी जोड़ ली है बॉटम पार्ट में। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इस पट्टी को जोड़ लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं अपने कपड़े को सीधा करके देखती हूँ। ये हमारा फ्रंट है, सीधा कपड़ा है, और ये भी हमारा ये वाला उल्टा कपड़ा है। फ्रेंड्स जब हम इसे टर्न करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा और इसका लुक ऐसा आएगा फ्रेंड्स। तो इसकी फिनिशिंग करने के लिए ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो पीछे कपड़ा हमने जोड़ा है इसे लेफ्ट हैंड की तरफ मोड़ते हुए और हम अपने कुर्ती के कपड़े पे सिलाई लगाएंगे फ्रेंड्स। जो हमने रेड पट्टी जोड़ी है उस पर नहीं लगानी है फ्रेंड्स, कुर्ती वाले पे लगाएंगे यहाँ किनारे किनारे, ताकि इसकी फिनिशिंग आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसे पीछे की तरफ टर्न करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा नेक है और ये बिल्कुल फ्रंट पार्ट है इसका। ये फ्रंट पार्ट में हम इसको यूं फोल्ड करेंगे, हल्का सा यहाँ से मोड़ेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए आपको दिख पा रहा है, तो जरा सा यूं मोड़ने के बाद इसको हम यूं फोल्ड करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, तो इसका लुक ये आएगा फ्रेंड्स सिलने के बाद। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कुर्ती का लुक है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये बॉटम में मैंने रेड पट्टी जोड़ दी है फ्रेंड्स। दूसरे अपने बैक पार्ट में भी मैं ऐसे रेड पट्टी जोड़ लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने दोनों बॉटम में रेड पट्टी जोड़ ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सीधा कपड़ा है। सीधे कपड़े के ऊपर हम सीधा ही कपड़ा रखेंगे और अपने कंधों को ज्वाइन कर लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। दोनों कंधों को हम जोड़ लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इस टाइप से अपने कंधों को ज्वाइन कर लेंगे अच्छे से सिलाई लगाते हुए। मैं दोनों को ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने कंधे जोड़ लिए हैं। इसके बाद हम इसमें बाजू जोड़ेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, हमारा सीधा कपड़ा है, कुर्ती का सीधा कपड़ा है। इसके ऊपर हम अपनी बाजू उल्टी रखेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मेरे बाजू इस तरफ से उल्टी है और इधर से सीधी है, तो मैं सीधे कपड़े के ऊपर सीधी बाजू रखूंगी और इसे जोड़ देंगे फ्रेंड्स। यहाँ से किनारे से मिलाते हुए दोनों कपड़ों को और यूं सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे इस टाइप से हम अपनी बाजू इसमें जोड़ लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बाजू बिल्कुल इसके इक्वल आई है, छोटी बड़ी नहीं आई है फ्रेंड्स। अब हम अपनी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, तो मैं पहले बाजू की मोहरी नाप लेती हूँ फ्रेंड्स। वो है 6.25 के आसपास। उसके बाद यहाँ से हम अपना सीना का निशान लगाएंगे फ्रेंड्स, और आगे फ्रेंड्स यहाँ पर कमर का निशान लगा के इसकी फिटिंग की सिलाई कर देंगे फ्रेंड्स। दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई कर देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, हमारी कुर्ती का लुक ये आया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।